एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट भी किया था कि टेक द शियो क्रोड, दैट वाज ऑलवेज द प्लान, हम शियो क्रोड की तरफ से ही जा रहे हैं। होमस्टे में रहने का यही फायदा होता है कि भाई इधर के ही उगाए हुए ऑर्गेनिक चीजें खाने को मिलती है। कल हमारे होमस्टे वालों ने यहाँ पे बनाया हुआ था कैबेज एंड आलू की सब्जी, हाय हाय क्या टेस्टी वाह वाह वाह, मेडिसिन से यार। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, हम निकल रहे हैं फिलहाल डिस्किट पेट्रोल पंप के लिए, वहां जाते हैं फ्यूल अप करते हैं और वहां बातें करते हैं। देयर आर लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू गिव यू ऑल। हम आए इधर पेट्रोल पंप के इधर, दिस इज आलोक एंड शिल्पा जो कैमरे की तरफ नहीं आना चाहती है, एंड वेलकम टू आवर चैनल वंडरफिट। आपको क्या बताऊं, कितने बजे निकले थे अभी लास्ट टाइम हमने बात किया था? आई एम नॉट श्योर मैंने आपको टाइम बताया था कि नहीं बताया था, पर 7 बज रहे थे तभी, अब बज रहे हैं 8। एक घंटा इसलिए इज बिकॉज ये ढूंढने में हमें इतना टाइम लगा भाई। इसके चक्कर में हम लोग पूरा डिस्किट मार्केट घूम चुके हैं, और पूरा डिस्किट मार्केट बंद है। यहाँ पे अपेरेंटली कोई पूजा वाला दिन है, सब कुछ बंद है, मार्केट में कुछ भी नहीं चालू है। एक रिटेल स्टोर हम लोगों को अंदर के साइड में कहा तो मिला, और वो रिटेल स्टोर की वजह से यहाँ पे कुछ तो पहचान लगाया, और पेट्रोल पंप के जस्ट ऑपोजिट वाला जगह, इतना घूमने के बाद में पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में ही हम लोगों को ये चेरी कैन मिला, पर थैंक गॉड मिला, बिकॉज अभी से जो भी हम लोगों का जर्नी होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी विदाउट पेट्रोल पम्प्स। जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे देखो, बोलते हैं ओपन पेट्रोल मिलता है, ब्लैक में पेट्रोल जो बोलते हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर यार, अगर मिले नहीं मिले तो एटलीस्ट विद द फुल टैंक, विद दिस 10 लीटर का टैंक हम लोगों का हो तो जाना चाहिए। ओके सो एक और चीज़ है, एक ग्रुप के बारे में बताना है जो ग्रुप को हम ज्वाइन कर रहे हैं। होपफुली आपने खारदुंगला वाला पार्ट देखा रहेगा, खारदुंगला वाले पार्ट में मैंने एक अजय सर करके जो बंदे थे उनसे मिलाया था, और मैंने बोला था मोस्टली हम उनके साथ में ही राइड करेंगे। उसके बाद में तो हम एक्चुअली वो बहुत पीछे छूट गए थे और फिर हम आगे निकल गए थे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसकी वजह से मिल नहीं पाए। कल जाके हम लोगों को वापस थांग में मिले, वो जो लास्ट वाला एपिसोड आपने देखा रहेगा थांग का, वहाँ मिलो। तो अभी उन्होंने वापस ऑफर किया है कि साथ में राइड करते हैं, एंड इनफैक्ट वी वांट टू राइड अलोंग विद देम एज वेल। दो चीज़ की वजह से, उनका एक्सपर्टीज बिकॉज वो काफ़ी टाइम यहाँ पे आ चुके हैं, एंड सेकेंड ये जेरी कैन हम लोगों को रखने के लिए जगह भी चाहिए, उनका एक सेफ्टी व्हीकल भी साथ में आ रहा है, तो ये जेरी कैन दोनों भर के चलो पेट्रोल भरा देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व फिलहाल अभी के लिए। ओके अपेरेंटली जो ग्रुप के साथ में हम जाने वाले हैं वो ग्रुप के आधे बंदे मुझे मिले अभी, आधे बंदे आगे निकल गए, दैट इज बिकॉज उनका सेफ्टी व्हीकल है वो आगे चले गए, तो वी हैव टू हॉल्ट एट द नेक्स्ट पेट्रोल पंप रादर देन दिस वन। अभी शिल्पा फिलहाल जेरी कैन लेके पीछे बैठी हुई है, बाद में उनके सेफ्टी व्हीकल में हम लोग ने परमिशन लिया है उनसे कि उनके सेफ्टी व्हीकल में डाल देंगे हम, तो विल बी ईजियर फॉर अस टू राइड एज वेल। सो एज ऑफ नाउ वी गॉट 12 लीटर्स पेट्रोल इन माई फ्यूल टैंक, मे बी 13 लीटर्स, और 10 लीटर हमारे हाथ में है जेरी कैंस। सो इन टोटल वी गॉट अबाउट 22 to 23 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, दिस शुड लास्ट अस फॉर नियर अबाउट 3 डेज, बट जो हमारा एडवेंचर वाला ट्रिप है वो लोकेशन तो मैं धीरे धीरे करके रिवील करूंगा। आज तो हम जा रहे हैं पैंगोंग, ऑब्वियसली आपने वो थंबनेल तो देख ही लिया रहेगा और टाइटल पढ़ ही लिया रहेगा, पर धीरे 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 आगे आगे ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे लिटरली देर आर नो पेट्रोल पम्प्स, बट इट्स गोना बी फन। इंट्रोडक्शन टाइम अगेन, अजय सर, यस वी हैव ऑलरेडी मेट, चुबी फन लविंग गाइस, वी रन द ट्रैवल बिजनेस, नेवर ऑर्गेनाइज एनी ट्रैवल्स फॉर अस, ओनली फॉर अदर्स, गलत बात, शरद इज जर्नलिस्ट, सो ही विल राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी मेट हिम एट थांग, यप, दैट्स कीर्ति, द डूड हु बेसिकली इज हैविंग फन ऑन द बैक ऑफ द ट्रक, ओह गॉट इट, उमा शंकर otherwise on a bike, cycle and cycling away. Okay. Now he has basically decided to add a little bit of horsepower. Finally, yes. That's Glenson, our driver. Our pilot. Pilot. This is Milan. Milan. Hi. This is Milan who is basically taking care of all of bikes. All of them. And there are three guys, two of them who are basically trying the sand dunes as well. So this is the entire group and we're going to be riding along with them probably the entire way up until Jispa. So Jispa then it is. जिस पास से हम नीचे उतरेंगे ये लोग ऊपर जाएंगे वापस लेक की तरफ। अक्षय
doing stunts like Akshay Kumar. So he is one of them. And then that's Venkatesh. Venkatesh ji, ऐसे लग रहे हैं कि जबरदस्ती tag along हुए थे. और अक्षय जी जब चला रहे तो he was like कि भाई थोड़ा धीरे चला ले. मुझे बोलने की काहे को मैं अंदर आया. So okay, that is the entire group, and we'll start riding from now. अभी चलो उस पे ही मिलते हैं. Okay, the group looks like absolute fun. I'm pretty sure बहुत मजा आने वाला है. अभी फिलहाल हम लोग ने क्या किया है, जो कैंस थे उनके सेफ्टी व्हीकल्स में रखवा दिए. सो दैट इज़ वन लोड आउट ऑफ आवर बैग्स. ये लोग अभी भी पेट्रोल भराना बाकी है, दे विल फ्यूल इट अप आगे. हम लोग भी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत टॉपअप करा दें. एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट भी किया था कि टेक द शियोक रोड. दैट वॉज ऑलवेज द प्लान. हम शियोक रोड की तरफ से ही जा रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग रोड विच इज़ ओपन. ये जो शियोक रिवर है वो हमारे साथ में पूरा पूरा टाइम चलते रहेगा टिल वी रीच पैंगोंग. And Pangong is about 130 kilometers from here. Most probably, dopahar tak pahunch jane chahiye. And hopefully we get clear skies, not cloudy like today. Because jitna clear sky, utna blue pani. Aha. Valley view in 3, 2, 1. Oh, ho, 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 ho. Look at this. Woo! Chame malang se, ilahi mera dil aaye aaye. स्मॉल लिटिल वाटर क्रॉसिंग, ये इंडिकेशन हो सकता है बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आने का. एंड वी वर राइट. इसके बाद हमें कई बड़े छोटे वाटर क्रॉसिंग्स मिले थ्रू आउट द राइड. बट राइड सुबह जल्दी चालू करने की वजह से लकीली हमें कहाँ एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला. Look at that. क्या प्यारा लग रहा है यार. ये मन ही नहीं भर रहा है यार ये सारी सीनरी से. क्या सुंदर है. ड्रीमलैंड. बस इन लैंडस्केप्स को देखकर यही एक शब्द मन में आ रहा था. इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि हमारे देश में ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज भी हमें देखने मिल सकते हैं. एक अलग ही किस्म का सुकून मिल रहा था हमें इन रास्तों पर. So we have stopped here, some cafe, I don't know, villa and cafe. But people are having their chai and bread omelette and all that. हम भी एक थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, फिर ऐसे निकलेंगे. ये बैटमैन वाला टी-शर्ट अच्छा लग रहा है. ये अभी भी अपने लिप्स के पीछे पड़ी हुई है. हाँ, obviously I can't talk, it's paining. But you're going to cover everything. So अभी breakfast just complete किया. निकल रहे हैं पैंगोंग के लिए. इट विल टेक अस मोर देन 2.5-3 hours के आसपास लग जाएगा. वैसे तो हम मूव कर रहे हैं अपने ही स्पीड में आराम से. बट इट्स फन, इट्स फन. अभी यहाँ से वाटर क्रॉसिंग कैसा क्या है कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज श्योक इज रिसेंटली ओपन. पिछले साल तक भी चालू नहीं था. सो वी गोइंग बाय दिस रोड कम्प्लीटली अननोन. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. Okay, waiting for the leader. This particular journey was full of adventure. जहां आप कोई हिसाब से भी predict नहीं कर सकते हैं कि आगे 1 kilometer बाद तुम्हें कैसा रास्ता मिलने वाला था. और सच बताओ तो that was the beauty of it. As expected चीजें boring हो जाती हैं, और unexpected कोई भी चीज हो, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमेशा exciting जरूर रहता है. Careful, careful.
श्योक इज 25, दुर्बुक 43, मेंटेनिंग डीसेंट स्पीड, मैं नहीं बोलूँगा गुड स्पीड्स बट डीसेंट स्पीड्स, पर मज़ा आ रहा है यार चलाने के लिए. क्या टेरेन, यू नो यू आर गेटिंग एवरीथिंग, यू आर गेटिंग छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स, यू आर गेटिंग सैंड ऑन द रोड, देन यू गेट जेट बैक टार प्लेन रोड्स, ओए होए होए, साथ साथ में बीच में फिर रॉकी रोड्स भी आ जाते हैं. सो इट्स गॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग. लुक एट हाउ ब्लू द स्काई इज मैन, इट्स जस्ट अमेजिंग. मैंने इतने यहाँ पर आसमान देखा रहेगा लेकिन इससे क्लियर और इससे ब्लू का आसमान मैंने कहाँ पर भी नहीं देखा रहेगा. This is just absolutely mesmerizing. And to top it all off, perfect weather है चलाने के लिए. ना ठंडी है ना गर्मी है, एकदम perfect है. Talking about rocky patches, ये देखिए. Forget about rocky patches, ऊपर mountain देखिए, वो भी पूरा rocky है. Oh man, just never ceases to amaze this place, yeah. Exactly. He's also wondering कैसे भाई ये structure कैसे है. जो भी है amazing है. Mountains like these make you realize how small you actually are in front of Mother Nature. और यहां से शुरू होता है हमारे खराब रास्तों का सिलसिला. So up until now, this is the worst patch that we've got. And it's fun. Himalayan being an off-roader will do much better than a Dominar over here. But Dominar is not doing bad as well. So good roads, okay roads, bad roads, no roads. Right now we are on no roads. And to top it all off, water crossing. सही है, क्या बात है, come on, let's go. That's what I'm talking about. Nah, it's not that bad. Ajay being the leader that he is, waiting for everyone to cross. Wow, that was amazing. High five. ऐसे नजारे के लिए सब कुछ माफ. We've got Akshay and that other mechanic. वो लोग आराम से full sorted एकदम. क्या मजा कर रहे हैं यार पाप, क्या life है. इससे अच्छा जिंदगी कोई हो ही नहीं सकते. And the roads continued to be bad. The landscapes continued to be breathtaking. And our spirits continued to soar high. But ये journey अभी तक पूरी नहीं हुई थी, as Pangong So is more than 100 kilometers away. So please do wait for the second part of this video, जो इससे भी ज़्यादा scenic और adventurous है. And of course, it has the heavenly Pangong So lake. तब तक के लिए enjoy our struggle and take care. We will see you soon.